रेसिपी सरीना डॉट इन में आपका स्वागत है। उपमा तो हम सभी ने खाया हुआ है, बट आज हम उपमा कुछ अलग ही तरीके से बनाते हैं। आज हम बनाएंगे ब्रेड उपमा। उपमा बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है वो लगभग 10 से 12 ब्रेड ली हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। उसके बाद हमने दो टमाटर लिए जिन्हें हमने बारीक काट लिया, दो प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया, तीन हरी मिर्च जिनको हमने बीच में से कट कर लिया है, एक चम्मच राई, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च, शेप गार्निशिंग के लिए आधा नींबू, आधा चम्मच नमक, या फिर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहें, एक चौथाई कटोरी मटर के दाने, एक चम्मच हल्दी, एक चुटकी हींग और बटर उपमा को बनाने के लिए। चलिए अब हम उपमा तैयार कर लेते हैं। उपमा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी और उसमें हम बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें हम राई डाल देंगे और राई के डालने के बाद इसमें जो बारीक बारीक हमने प्याज काट ली थी उस प्याज को डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, पर इतना याद रखेंगे कि प्याज कच्ची ना रह जाए। प्याज को थोड़ा चलाने के बाद हम मटर के दाने भी डाल देंगे, जिससे मटर के दाने आसानी से बन पाएंगे, प्याज के साथ में अच्छे तरीके से भून पाएंगे। अब हम प्याज को भून लेंगे। प्याज भून चुकी है, इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे जो हमने बीच से तोड़ ली थी। और मिर्ची डालने के बाद इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे। टमाटर से पहले मसाले डालने से हमें ये फायदा होगा कि हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन पाएंगे और मसाले बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। आधा नमक हमने अभी डाल दिया है, आधा जब हम ब्रेड डाल देंगे उसके बाद डालेंगे, ताकि आधा नमक हमारे मसालों में मिक्स हो जाए और आधा ब्रेड में। मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं, अब हम टमाटर डाल देंगे जो हमने छोटे छोटे काट लिए थे और टमाटर को भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक टमाटर को पकाएंगे। टमाटरों के अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें आधा नींबू मिला देंगे। और लगभग आधे ग्लास से भी कम पानी मिला देंगे और हम इसे 10 मिनट तक भूनने देंगे, जिससे पानी बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो हमारी सारी ब्रेड टूट जाएंगे। मसाले का पानी सूख चुका है, अब हम ये ब्रेड के टुकड़े डाल लेंगे और हल्के हाथों से ब्रेड को मिला लेंगे। ब्रेड अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे जो कि ब्रेडों में मिक्स हो जाएगा और फिर एक बार और चला लेंगे। अच्छे से इसको चला लेंगे जैसे कि ब्रेड टूटे ना। और ये उपमा तैयार हो चुका है, इसमें हम हरा धनिया मिला देंगे। और फिर एक बार और अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में इस उपमा को निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद इस पर हम सेब से गार्निशिंग कर देंगे और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप
आप उसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लाइक और शेयर बटन की सहायता से आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए आप इन लिंक पर क्लिक करें।